हेलो हेलो फ्रेंड्स, येलो टीथ बहुत ज़्यादा होते हैं इमेजेस में, बड़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी इमेजेस ख़राब हो जाती हैं, तो उसको सही करने का मैंने पूरा जबड़ा निकाल दिया, जबड़ा पूरा। वाह, डाउनलोड कर दिया जबड़ा, आपको पूरा जबड़ा मतलब मुंह पूरा, सारे टीथ मतलब ये नहीं है ये वाला कर सकते हैं, ये वाला नहीं, पूरा हमने ओपन कर लिया। इसको हम जो ओरिजिनल सफेद जो होते हैं ना, ऑफ वाइट नहीं, वाइट कलर के जो टीथ होते हैं ना, उसमें कन्वर्ट करता हूँ। बहुत सिंपल ट्रिक है, मतलब आपको मत सिखा, चल। कोई दूसरे पंगे ना करें, कोई दूसरे चक्कर में ना जाएं। ये देखें, अगर आप समझ रहे हो नहीं, कुछ होते हैं डॉज टूल, लगाई जाते हैं, उससे सारी इमेज खराब होती है। आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चौकस हो जाएं, कंप्यूटर सीधा कर लो, कुर्सियां सीधियां कर लो। चलो जी, सबसे पहले आपने कोई भी सिलेक्शन टूल पकड़ना, आपने टीथ को ना सिलेक्ट कर लेना, मतलब जिस एरिया में जितने हिस्से में टीथ हैं, आपने टीथ सिलेक्ट कर ली है, ये टीथ यहां से इतने सिलेक्ट कर लिए, मतलब आपके पास पूरे टीथ आ गए हैं, सारे ए टू जेड सारे टीथ आ गए हैं। अब आपने इसको राइट क्लिक करना, थोड़ा सा फीदर कर लेना, कोई भी मतलब थोड़ा सा फीदर कर लेना, 10 फीदर कर लें, 20 फीदर कर लें, कितना भी कर लें। अच्छा, ये फीदर हो गया आपके पास। आप देखें ये टीथ जो हैं सारे के सारे येलो हैं, कुछ जगह से और भी डार्क कलर्स हैं, किसी किसी जगह से इधर से थोड़ी लाइट ज्यादा है और इधर से थोड़ी लाइट कम है। इमेजेस में भी ऐसा ही होता है कि किसी जगह से लाइट ज्यादा मिल जाती है, किसी जगह से लाइट कम मिल जाती है, टेंशन नहीं लेनी है। अब आपने करना है कंट्रोल यू करके ना, तो ये देखें, ये इसके अंदर आपको सारे टूल्स मतलब सारे कलर्स आ जाएंगे। मास्टर पे क्लिक करना, आपने येलो पे चलाना। अब येलो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपने ना ये इसकी सैचुरेशन है ना, जो इमेज की मतलब जितनी उसकी सैचुरेटेड है इमेज, इसको आपने पहले नीचे करना है, डाउन, मतलब येलो कलर सिर्फ इसमें से ख़त्म हो रहा है नीचे को। अब आपने इतना नीचे नहीं जाना कि कलर बिल्कुल ही मतलब येलो ऐसे हो जाए, मतलब थोड़ा सा बस यहाँ पर। उसके बाद येलो की लाइटिंग थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। अब जैसी लाइटिंग थोड़ी सी मैं इंक्रीज करता हूँ ना, तो देखें वो ओरिजिनल शेप में आना स्टार्ट हो गया। अब मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें पहले ये था और ये हो गया, मतलब अब थोड़ा सा ऐसे होगा, लेकिन अभी भी उतना परफेक्ट नहीं है जितना परफेक्ट होना चाहिए। सिलेक्शन में वापस आते हैं, ये देखें यहाँ वाले जो टीथ हैं वो उधर लाइट ज़्यादा है और इस तरफ लाइट थोड़ी कम है। तो अब आपने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट आई ए एस मतलब सिलेक्टिव कलर्स, अगर आप यहां से जाते हैं इमेज एडजस्टमेंट्स एंड सिलेक्टिव कलर्स, यहां पर हम चले गए हैं सिलेक्टिव कलर्स, यहां पर जाके अब आपने यहां से करना है सिलेक्ट ये वाला कलर न्यूट्रल्स, ठीक है। यहां से जाके ब्लैक वाला हिस्सा है ना, उसको थोड़ा सा पीछे करना है, और येलो यहां पर देखें ना, यहां पर जब आप येलो थोड़ा सा पीछे करेंगे ना, लिटल बिट 10 स्टेप्स या 20 स्टेप, ठीक है। यहां पर अब देखें जो हेयर जो मतलब टीथ हैं वो सारे रिमूव हो गए हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर अभी तक ना मतलब वो हमारी सिलेक्शन हमने वैसी की थी जिसकी वजह से वो नहीं हो सका। अब फाइनली जो जगह आपको नहीं लग रही वहाँ पर हल्का हल्का सा डॉज टूल ना और पेस्टी थोड़ी सी कम करके ना, 50% या 20% या 25% पेस्टी कम करके, तो वहाँ पे आप डॉज टूल लगाएं, और मतलब आपकी इमेज जो है ना वो, अगर आप डेंटिस्ट का शूट किया है या आपने कोई इस तरह से उसके लिए इमेज चाहिए, तो वो बिल्कुल रेडी हो गई। अब देखें, अब हमारे पास जो है पहले जो थी इमेज ओरिजिनल इमेज वो ये थी, और बाद में हमारे पास हो गई ये वाले दांत, कॉलगेट। Yes. अब आपने क्या करना है, देखें जब आप लाइक करते हैं फिर वीडियो होती है वायरल, ठीक है, वीडियो जाती है ज्यादा लोगों तक, ज्यादा लोग देख सकते हैं, ज्यादा लोग इसके बारे में टीथ कैसे क्लीन करने हैं ये चीजों के बारे में देख सकते हैं। अब जब आप लाइक करते हैं वीडियो आगे तक जाती है, ज्यादा लोग देखते हैं और ज्यादा लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब ये काम किस तरह करना है, इसलिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इस तरह टीथ किसी के साफ कर दिए हैं कोलगेट के बगैर, तो आप कमेंट करें लाजमी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। We'll be right back.